Assalamualaikum guys, good morning, welcome to my vlog versatile Nisha। आज के vlog की शुरुआत हो चुकी है। आज है संडे और शुरुआत में ही आज सुबह सुबह बन रहा है मेरे घर में डोसा, जो कब से मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं और इसने खा खा के मुझे परेशान कर दिया, मेरा पूरा बैटर ख़त्म कर दिया, लेकिन इसका डोसा चालू है। उसके साथ हम लोगों ने रखा है साइड में बनाने के लिए ढोकला, जो थोड़ा सा कच्चा था तो फिर से कटिंग करके मैंने फिर से रखा है उसको, और थोड़ा सा भाप में पकने के लिए। और थोड़ा लेट हो गए हैं पर अब भी थोड़ी सी तैयारी करेंगे, नीचे जाएंगे क्योंकि आज है वॉल्यूम वन, क्योंकि गाइस आज है शब्बे बारात का दिन। शब्बे बारात का दिन मतलब आज है कब्रिस्तान जाने का दिन। मेरा बेटा अपने अब्बा के साथ में कब्रिस्तान जाता है, मेरी दादी के पास। हाँ, अपनी दादी को मिलने के लिए आज जाएगा। पिछले साल नहीं जा पाया था ना, पिछले साल नहीं गया था ना, कि गया था इस साल जाएगा लेकिन इंशाल्लाह। तो अभी अब्बा के साथ गया था ना? गया था, अच्छा ठीक है। तो ना अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, अभी हम कुछ अच्छा पकाएंगे, शाम को फिर फातिया वगैरह देंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके अब्बा और ये कब्रिस्तान जाएगी अपनी दादी को मिलने के लिए, फूल वगैरह लेकर जो कब्र वगैरह पे चढ़ाते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को आगे अपडेट देती रहूँगी इसके लिए, ठीक है ना। आज के दिन की शुरुआत हो गई और इसको प्रॉब्लम हो रही है वीडियो चालू होने से कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बंद करूं तो ये अपनी वीडियो देख पाए। ये जो वीडियो लगाता है फ़ोन के अंदर जिससे मुझे डिस्टर्बेंस आती है तो मैं इसकी वीडियो स्टॉप करवाती हूँ, लेकिन इसको फिर भी यही है कि अम्मी तुम जल्दी वीडियो ख़त्म करो, देखो पागल। ढोकला मेरा ढोकला रेडी हो गया, देखो मैंने कैसा उसको बघार किया बताती एक मिनट है, ये देखो बैक के मेरा क्लियर नहीं आ रहा। गाइस मैंने सारा काम पटा लिया है क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी। ये देखो पूरा सफ़ा चक मैंने कर दिया आज मेरा, क्योंकि आज शब्बे बारात है, वो मुस्लिम है, उनका भी त्यौहार है, तो आज के दिन उन्होंने छुट्टी मांगे थे, तो मैंने इतने दिन के बाद में झाड़ू पोछा सब काम करी तो थोड़ा भारी पड़ता है, पर मैंने कर दिया, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, घर मेरा साफ़ हो गया, खाली इसका और मेरा साफ़ होना बाकी है। तो अभी हम नहाएंगे धोएंगे नीचे जाएंगे, पहले ठीक है। गाइज मैं निकल गई हूँ घर से तैयारी के लिए। हाँ मैंने नहा धो के रेडी हो गई इसलिए क्योंकि फिर मुझे वक्त नहीं मिलेगा, और मेरा बेटा रेडी होना बाकी है जो शाम को होगा, क्योंकि वो शाम को जाने वाले अपने अब्बा के साथ। अगर अभी मैंने इसको पठानी या कुछ भी कपड़े पहना दिए तो शाम तक कर देगा गंदे। तो अब मैं नीचे उतरी हूँ, मुझे कुछ सामान लेना है क्योंकि शाम को फातिया देना है, तो कुछ अच्छा पकाना है, कुछ मीठा भी करना है, तो फिर कुछ मीठा भी पकाना है। तो फिर अभी मैं दोपहर को उतरी हूँ नीचे, 3 बजे का टाइम है, सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, ले लेती हूँ फटाफट, मगरिब के पहले हमें खाना पकाकर फातिया देना है। तो मैं लग गई हूँ अपनी तैयारी में, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ मेरा बेटा मेरे हस्बैंड बाकी जो शाम को रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेलर को कपड़े पटक कर आई थी मैं वहाँ पर, आज उसके पास और भी कपड़े डालकर आई थी मॉर्निंग में, तो वो कपड़े भी लेने के लिए जाने हैं, तो सब एक साथ में लेकर आज पूरा बोरा बिस्तरा लेकर ऊपर चढ़ूंगी कि फिर उतरना ना पड़े। अभी कब्रिस्तान है इसलिए दोपहर को तैयारियां शुरू है, शाम को शायद यहाँ ना मार्केट लगेगी फूल की मेरे ख्याल से, जमजम की बोतलें सब जगह पर ना, सब गैलन वगैरह लेकर, इसके अंदर जमजम का पानी है सबके अंदर। टेलर के पास से अब बोरा लेकर जा रहे, सब ले लिया, देखो टेलर से भी ले लिया, इतनी सारी बाजार भी ले ली, अब घर जाकर सबसे पहले पकाएंगे खाना, फटाफट मगरिब तक खाना रेडी करना है हमें, ठीक है ना। गाइस ये मेरा चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, ये बिरयानी के लिए रखा है और ये ग्रिल चिकन के लिए इवनिंग के लिए रख रही हूँ, इसको मैरिनेट करके अभी 2 घंटे के लिए रख देंगे और तब तक आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। मगरिब हो गई है गाइस और मेरा बेटा भी रेडी हो चुका है, नहा धो के एकदम पाक साफ हो के अपनी पठानी पहन कर, और अब हम देंगे फातिहा और फिर मेरा बेटा जाएगा
कहाँ? दादी के पास, अपनी दादी के पास कब्रिस्तान। यस, ठीक है। और नमाज पढ़ेंगे, जो दो दो नफिल कर कर पढ़ते हैं वो नमाज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको फिर मिलते हैं। आज का दिन निकल गया, अभी शाम रात हो गई है और शबे बारात की रात हुई है, तो आज की रात इबादत की रात है। मैंने अभी मैं इबादत करके थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया, मैंने उठी तो याद आया मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है, इसलिए मैंने व्लॉग फिर से शुरू किया। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आज की रात इबादत की रात है गाइस। जैसे कि हमारे में बोलते हैं शबे बारात वाले दिन, जो बंदे की अगले साल जो शबे बारात नहीं दिखेगा उसका पत्ता जड़ जाता है। तो अगर हमें शबे बारात नसीब हुई है तो हमें उसमें इबादत करनी चाहिए। मैंने इबादत की बहुत सारी दुआ करी और इसमें नफीले पढ़ी जाती है, नमाज एक मोहताजी के लिए, उम्र दराजी के लिए और अला बला के लिए, तो नफीले भी मैंने पढ़ी। आप जितनी चाहे नफीले पढ़ सकते हो और इबादत की बहुत सारी दुआ करी, क्योंकि इस साल हम वाकई में बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा। मुझे पता है मेरा व्लॉग लेट आएगा तो मैं भी नहीं बोल सकती कि आप लोग भी दुआ करना। सारे मुस्लिम्स जानते हैं, जो अल्लाह पे यकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो लोग इन बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि आज की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात होती है। तो उसमें हम इबादत करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी मांगते हैं और दुआएं मांगते हैं कि हमारा अगला साल बहुत अच्छा जाए। रोज़ी की दुआ मांगते हैं, खैर बरकत की दुआ मांगते हैं और कब्रिस्तान जाया जाता है अपने मुर्दों के पास में। आज बोलते हैं कि उनकी ईद रहती है, अपने घर वालों का इंतज़ार करते हैं। हाँ, तो ये रात भी आ गई, ये रात भी चली जाएगी, अभी आधी रात हो रही है, थोड़ी सी देर के अंदर फिर फजर भी हो जाएगी। तो बस दुआ में याद रखना। और आज के दिन अच्छा खाना बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, फातिहा देते हैं। तो मैंने कोई हाफिज़ी को तो नहीं बुलाया था, पर मैंने अपने हिसाब से यूट्यूब पे से देख के जितना मैं मतलब समझ सकती थी उतना समझ कर अपने आप मैंने फातिहा दे दिया। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता है कि मैं मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुस्लिम नहीं हूँ। तो कुछ चीज़ें अभी भी मैं सीखती हूँ, डेली सीखती हूँ। तो कुछ दुआएं जो है मतलब मुझे कुछ आती है कुछ नहीं आती है, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यूट्यूब पे से देख के अपने हिसाब से मैंने फातिहा दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। बस ये व्लॉग चालू करके बताने का कारण यही था कि मैं जो करती हूँ, मेरे मतलब मैं जो करती हूँ, जो मानती हूँ, जैसे करती हूँ, वो आप लोग को बताना था। क्योंकि हम कोई एक्टिंग नहीं करते, हमें रियल बताना रहता है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना गाइस, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलना। और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हो वैसे ही प्यार देना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।